शहीदों के सम्मान में बीजेपी प्रदेश की हर विधानसभा में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में आज यमुनानगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों युवाओं ने भाग लिया। वहीं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं अम्बाला से सांसद रतनलाल कटारिया और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर इस तिरंगा यात्रा में पहुंचे और युवाओं का उत्साह बढ़ाया और बताया कि कैसे वीर शहीद बलिदानों के बलिदान से हमें आजादी मिली है। इन वीर शहीदों को कभी भुलाया नहीं जा सकता और हमें हमेशा इनका और देश के आन बान शान तिरंगे का सम्मान करना चाहिए और शहीदों के सम्मान में ही बीजेपी ये तिरंगा यात्रा निकाल रही है। शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश हर विधानसभा क्षेत्र में निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा समझती है कि केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही शहीदों को स्मरण करके हमारा दायित्व पूरा नहीं हो जाता। हमें हमेशा लोगों में उन अमर शहीदों के संदेश जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया स्वतंत्रता के लिए और स्वतंत्रता के पश्चात जिन्होंने देश की रक्षा के लिए 62, 63, 71 और कारगिल में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उनकी याद में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक पखवाड़े तक हरियाणा में हर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालकर उन वीरों को, उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।